बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई किचन। और आप सब के लिए सबसे पहले यही दुआ कि आप सब लोग जहाँ भी हों खैर आफ़िस, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती से रखे और अल्लाह ताला आप सबकी खानों में बरकतें डालें। और आज हम बना रहे हैं दही बूंदी, से भुलकी भी कहते हैं, बूंदी भी बोलते हैं और भलियाँ भी बोलते हैं, और ऐसे हमारे लाहौर में तो उसको भलियाँ बोलते हैं, बेसन की भलियाँ। और आज हम बना रहे हैं वही भलियाँ घर में। 2 कप मैंने बेसन लिया, बेसन को छान लिया था, साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और साथ ही डाल दिया मैंने इसमें अजवाइन। इसमें डाल दिया 1/4 चम्मच अजवाइन और साथ डाल दिया इसमें नमक, ये काला नमक है, इसको हम पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं, वो डाल दिया मैंने 1/4 चम्मच। सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और साथ ही डाल देंगे मैं थोड़ा सा पानी, इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये जो भलियाँ हैं ये ज़्यादातर गर्मियों में खाई जाती है, वैसे तो हर मौसम की ये चीज़ है लेकिन ज़्यादातर ये गर्मियों में मज़े की लगती है क्योंकि गर्मी होती है, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल करते हैं, इसमें दही का इस्तेमाल होता है तो एक मज़े का टेस्ट आता है इसको खाते हुए। और ये वैसे चाय टाइम पर भी लोग अक्सर बना लेते हैं, समोसों के साथ भी इसको सर्व करते हैं और गेस्ट के लिए तो स्पेशल रखी जाती है। तो हम लोग क्या कर लेंगे जनाब, इसको अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम लोग थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, इसको गाढ़ा करेंगे और अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेना है। ये देखें, इतना ही आपको मिक्स करना है, अच्छे से जाल लगानी हाथों से ज़रा से इसको। ये देखें ऐसा फ्लफी फ्लफी सा जब बन जाएगा तो समझें ये रेडी हो चुका है इसको फ्राइंग करने के लिए। तो ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाला था ताकि ये नीचे चिपके नहीं, अच्छे से घी को मैंने गर्म कर लिया और ये मेरे पास इतना का कर्चा था तो मैंने उसके ऊपर डाला। ये नीचे जैसे छोटी छोटी सी बूंदियाँ रेडी हो गई हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त किस्म की बूंदियाँ, हल्की फ्लेम पे यानी चूल्हे की जो आँच है ना हल्की सी रख के इसको पकाना है क्योंकि बहुत छोटी होती हैं और जल जाती हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना। आपने हल्का सा नमक डालिएगा ताकि ये नीचे नहीं चिपके ऑयल में, क्योंकि अगर आप ऑयल को वैसे ही इसके अंदर डाल देंगे ना डायरेक्टली तो ये नीचे चिपक जाएंगे। थोड़ा सा नमक डालिएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे इसके अंदर। ये नीचे जनाब ये हो गई हमारी ज़बरदस्त सी बूंदी, बिल्कुल रेडी, भलियाँ भी रेडी हो चुकी हैं तो इसको निकाल लेते हैं। ये नहीं जनाब, अब हम इसे निकाल लेते हैं, उसको सर्व करेंगे दही के साथ। अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगे मेरी ये सिंपल सी इजी सी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप सबको मिल सके।